कुशीनगर जनपद के विकास खंड कप्तानगंज के अंतर्गत तेस्तरी पंचायती चुनाव पिछड़ा वर्ग सीट से लड़ी पूनम देवी ग्राम सभा सुधियानी विकास खंड कप्तानगंज चुनावी मुद्दे को लेकर विकास की बात करते हुए उनके पति सुरेंद्र गुप्ता उनके प्रतिनिधि के तौर पर बात की गई। उन्होंने कहा कि पिछली बार भी हम प्रधान ही रहे और गाँव की जनता के आशीर्वाद से भारी मतों से लगभग 411 मतों से अपनी जीत दर्ज कराया था। इस बार के चुनाव में अपना दमखम दिखा रहे हैं, विकास कार्यों को लेकर अपना बहुमूल्य समय देते आए। जब उनसे विकास के मुद्दे की बात की गई तो उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद सर्वप्रथम हमारा फोकस सड़क नाली जो टूटी पड़ी हैं उनको सही कराना होगा, साथ ही गरीब पात्र व्यक्तियों को जिनके पास आवास नहीं है उनको आवास मुहैया कराना तथा बिजली पानी शिक्षा स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना होगा। उनसे पूछा गया कि अपने ग्राम वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं तो उन्होंने अपने ग्राम सभा से अपने कार्यकाल में सारे जनहित संबंधित कार्य कराए, इसलिए उन्होंने ग्राम वासियों से अनुरोध किया है कि उनका चुनाव चिन्ह करनी है, आप सभी भारी मतों से विजयी बनाएं। क्या नाम है प्रधान जी? सुरेंद्र गुप्ता। गांव कौन है आपका? ग्राम सभा सुधियानी। आपके गांव में पंचायत चुनाव चल रहा है? हाँ चल रहा है। क्या सरगर्मी है? सरगर्मी अपना अपना सब लोग प्रचार प्रसार कर रहा है, हम भी अपना कर रहे हैं विकास के मुद्दे पे। आप तो वर्तमान प्रधान भी है। हाँ ये बताइए, विकास का वादा कर रहे हैं जनता के बीच में? अरे वादा नहीं करके दिखाएंगे, वादा क्या करेंगे, वादा बहुत काम किए हैं उसके हिसाब से और भी जो भी अधूरा सब पूरा कराएंगे। जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे? जनता का यही संदेश है कि भाई जो हमने विकास किया है स्कूल शिक्षा जो भी है गांव में पंचायत भवन और आंगनबाड़ी का भी निर्माण हो रहा है, विद्यालय का, सार्वजनिक शौचालय और भी बहुत लोगों का 300-350 लोगों का शौचालय भी बनवाया है और जो भी अधूरा काम है उसको आगे की ओर ले जाएंगे और भविष्य में चाहेंगे कि कोई भी काम अधूरा ना रहे। शिक्षा पर क्या प्राथमिकता होगी? शिक्षा को हम लोग विद्यालय को मॉडल बनाना चाह रहे हैं, इंग्लिश मीडियम भी हमारे यहाँ हो गया है प्राथमिक विद्यालय और उसमें डेस्क ब्रेंच की व्यवस्था हम लोगों ने अपने सहयोग से और प्रधानाध्यापक के सहयोग से डेस्क ब्रेंच भी बनवा दिए हैं और इस साल बच्चों को जमीन पर नहीं बैठना पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट प्राथमिक विद्यालय में डेस्क ब्रेंच नहीं देती है, हम लोग अपने सहयोग से किए हैं कि शिक्षा आगे जाए और बच्चों का भविष्य बना। जीतने के बाद से प्रथम प्राथमिकता क्या होगी आपकी? जीतने के बाद यही है कि मान लीजिए जो कुछ काम पेंडिंग है अभी हम चाहेंगे कि भविष्य मनोभी पूरा हो जाए और हमारे गाँव में किसी भी प्रकार की कोई कमी न रहे विकास के नाम से। चलिए ठीक है, धन्यवाद। कुशीनगर से रविंद्र मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।